पिछले 11 दिनों से कृषि विधेयक के खिलाफ जारी किसान के आंदोलन का सोमवार को 12वां दिन है। यही आंदोलन व्यापक रूप लेता जा रहा है। इस क्रम में मंगलवार 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, जिसे विपक्षी पार्टी का पूरा समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश व जम्मू कश्मीर की 10 पार्टियों ने संयुक्त बयान जारी कर भारत बंद को अपना समर्थन दिया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगात राय ने कहा, पार्टी आंदोलनकारी किसान के साथ है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भारत बंद को अपना समर्थन नहीं देंगे। ये हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। समर्थन में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम भी शामिल है। इसके अलावा आंदोलन करने वाले किसानों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मुलाकात की। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ ने आंदोलनकारी किसान द्वारा बुलाए गए 8 दिसंबर को भारत बंद से दूरी बना ली है। इसके पीछे भारतीय किसान संघ की ओर से इसमें शामिल राजनीतिक पार्टियों को कारण बताया गया है। भारतीय किसान संघ का कहना है कि किसान संगठनों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकार के सामने रखनी चाहिए। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।